वेलकम टू द होम एकेडमी दोस्तों। आज हम मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है यूनाइटेड नेशन। तो जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे जो यूनाइटेड नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी नीड क्या है, क्यों हमें इसकी नीड हुई। हम जानते हैं हमारी हिस्ट्री में दो ऐसी इंसिडेंट हुए हैं, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार है, जिनके जो इफ़ेक्ट थे बहुत ही ख़राब थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन वार्स में। तो ताकि कोई दूसरी वार ना हो सके, इन वारों को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी वो कब हुई थी, डेट आपको याद होनी चाहिए, 1914 से 1918 तक हुई है। तो इस वार के बाद जब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो ये सोचा गया कि एक पीस कीपिंग बॉडी बनाई जाए। तो उस बॉडी का नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या था? लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1918 में हुई, उसके बाद कुछ कंट्रीज मिली उन्होंने बनाई, तो 1920 में बनाई। लीग ऑफ नेशन क्या था? एक पीस कीपिंग बॉडी थी। बट क्या हुआ, जो लीग ऑफ नेशन थी ये अनसक्सेसफुल रही, ये दुनिया का अमन कायम नहीं कर सकी। इसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई, कुछ साल तक अमन रहा, लेकिन 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई। और सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए आपको एक और बात याद रखनी है, डेट तो याद रखनी है, उसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वार में पहली बार एटम बम का यूज़ किया गया, जो कि जापान में के शहरों में गिराए गए थे। तो पहली बार जो है एटम बम का यूज़ किया गया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हम पढ़ेंगे, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, कब गिराए गए, किस कंट्री स्टेट पे गिराए गए, वहाँ की तो सारी डेटें। तो अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर ये खतरा हुआ कि अगर दोबारा ऐसी वार हो गई तो क्या होगा, कितना नुकसान हुआ। तो क्या हुआ, फिर प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के उस टाइम, रूजवेल्ट ऑफ अमेरिका, और प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, प्रेसिडेंट जो थे यूएसए के और ग्रेट ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मिले। उन्होंने कहा, एक सजेशन दी, ये सजेशन दी कि जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि पीस मेंटेन कर सके पूरी दुनिया में। देखिए, जो पीस है ये अभी भी एक की इशू है पूरी दुनिया का, कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती जा रही है दिन ब दिन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक सजेशन दी गई कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हो, जो कि पीस कायम कर सके इस दुनिया में। तो इसके लिए क्या हुआ, फिर 1943 में कुछ डेलीगेट्स मिले यूएसए के, यूएसएसआर के यानी के रशिया जो आज है, उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन के और चाइना के, ये फोर कंट्रीज थे जिनके कुछ डेलीगेट्स मिले। कहाँ पर मिले वो? मॉस्को में मिले। मॉस्को कहाँ की कैपिटल है? रशिया की कैपिटल है। तो ये यहाँ पर मिले, ये चार कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाने की सजेशन की। तो ये मिले अक्टूबर 1944 में। क्या हुआ, डम्बरटन ओक्स, ये वाशिंगटन के पास की जगह थी, यहाँ पर ये चार कंट्री मिली, एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया इन्होंने। क्या बनाया? एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया टू फॉर्म सच एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ड्राफ्ट दिया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। 1943 में क्या हुआ था, ये डेलीगेट्स इन इन कंट्रीज के मिले थे। फिर 1944 में क्या हुआ, ये डम्बरटन ओक्स नियर वाशिंगटन, वहाँ पर एक जगह थी, वहाँ पर ये मिले चार कंट्रीज और इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल ड्रू अप किया, एक ड्राफ्ट प्रपोजल टू फॉर्म सच एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक जिसमें 51 कंट्रीज, इंडिया भी उसका एक मेंबर था, 51 कंट्रीज वाज कन्वेड। वो कब हुई थी? अगले ही साल हुई थी, 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 51 कंट्रीज थी, एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए में मिली। इन दिस कॉन्फ्रेंस चार्टर फॉर यूनाइटेड नेशन वाज प्रिपेयर। तो इसी में जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था
वो मिला, वो बनाया गया 1945 में, 1943 में डेलीगेट मिले, 1944 में उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया, फिर 1941 में 51 कंट्रीज़ मिली जिनमें यूनाइटेड नेशन का चार्टर लिखा गया। और इसमें आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जो इंडिया भी थी वो 51 कंट्रीज़ में थी इंडिया भी, और जो इंडिया थी उन्होंने भी उस चार्टर को सेटिस्फाइड किया। फिर अब इस चार्टर के बारे में हम देखेंगे क्या हुआ, कुछ डेट्स है ये इम्पॉर्टेंट होती है, यही चीज़ें आती है। ऑन अक्टूबर 24 अक्टूबर को 1945 को ये जो चार्टर था ये इफेक्ट में आया, एक बात। दूसरी बात जो है, 24 जो अक्टूबर है हम इसको यूनाइटेड नेशन डे भी बनाते हैं, इसी दिन बनाते हैं हम यूनाइटेड नेशन डे। ये भी पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन डे कब होता है, तो ये याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था वो अमल में आया, फिर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का डे बनाया जाता है। उसके अलावा जो हेड क्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में क्या है, हेड क्वार्टर है, ठीक है। और जो इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, 193 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस में। जो रिसेंटली अभी ऐड हुई थी कंट्रीज़ कुछ साल पहले, वो कौन सी थी, साउथ सूडान। ये चीज़ें भी आती है, साउथ सूडान। तो ये ऐसे आ सकता है, विच कंट्री इज़ रिसेंटली एडेड इन द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। साउथ सूडान है और इसका नंबर क्या है, 193 नंबर पे ये यूनाइटेड नेशन में ऐड हुई। हाँ, एक और बात इम्पॉर्टेंट, जो इंडिया की तरफ से जो मेंबर थे, जो परमानेंट मेंबर रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन है, सैयद अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन। ये क्या रहे हैं, परमानेंट मेंबर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब जो ओपनिंग वर्ड्स है यूनाइटेड नेशन चार्टर, उस वो कब साइन किए गए हैं, 1945 में किए गए हैं ओपनिंग वर्ड्स जो थे यूनाइटेड नेशन चार्टर के, वो 1941 में साइन किए गए। यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके सिक्स ऑर्गन्स हैं, सिक्स ऑर्गन्स हैं। पहले में हमारी आती है जनरल असेंबली, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर सेक्रेटरीट आती है लास्ट पे। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारा एनसीईआरटी की समरी है, दो दूसरी अगर आप बुक्स कंसल्ट करते हो, बट इन पॉइंट्सों को भूलना नहीं जो एनसीईआरटी में है उन्हें भूलना नहीं। देखिए, जो जनरल असेंबली होती है वो क्या होती है, एक किस्म की वर्ल्ड पार्लियामेंट होती है, वर्ल्ड पार्लियामेंट होती है। जनरल जो असेंबली होती है एक किस्म की वर्ल्ड पार्लियामेंट होती है, इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो यूनाइटेड नेशन के हैं। उसके देखिए, हम मैंने यूनाइटेड नेशन में जो मेंबर पढ़े शुरू में, जो चार मेंबर थे उनके पास जो फ्रांस है वो भी उनमें ऐड हुआ, और जो आज मेंबर है वो पांच मेंबर है उसके जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो एवरी मेंबर स्टेट कैन सेंड ए मैक्सिमम ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव, हर जो कंट्री है हर जो स्टेट है वो 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है, ठीक है, किसमें, जनरल असेंबली में। बट जब वोट किया जाता है द टाइम ऑफ वोटिंग स्टेट इज एंटाइटल्ड टू कास्ट ओनली वन वोट, यानी कि अगर 5 रिप्रेजेंटेटिव है मगर उनका एक ही वोट होगा, ठीक है, उनको डिसाइड करना है किसे देना है। तो ये हर साल एक बार मिलती है, दे मीट वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर, और ये अप्रूव करती है यूनाइटेड नेशन का जो भी बजट है उसे अप्रूव करती है। और ये इसका एक और काम होता है, ये नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हें अलर्ट करती है, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को उन्हें ये अलर्ट करती है, ठीक है। और जो भी मेंबर होते हैं उसके अलावा इकोनॉमिक एंड
सोशल काउंसिल में उन्हें भी इलेक्ट करते हैं, और जो मेंबर होते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल के उन्हें भी यही इलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके रिलेटेड। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है ये सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। जो 5 मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और जो 10 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो 5 जो परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से हैं? फ्रांस है, चाइना है, यूके है, यूएसए है और रशिया है। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो वेरी होते हैं, कभी कोई होता है कभी कोई होता है। तो जो 2016 में थे वो नॉन परमानेंट मेंबर, उनमें इथोपिया था, बोलिविया था, स्वीडन था, कजाकिस्तान था, वो एलेक्ट किए गए थे जून 28, 2016 में। उसके बाद जो 2017 और 2018 के लिए है सिलेक्ट किए गए, 2017 के लिए जो अभी सिलेक्ट किए गए थे वो था इटली, ठीक है, और 2018 में के लिए जो है वो है नेदरलैंड, ठीक है। ये नॉन परमानेंट मेंबर है जो कि सिलेक्ट किए गए हैं, और ये जो मेंबर जो नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं ये 2 सालों के लिए होते हैं, 2 ईयर्स के लिए होते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है वो ये जो 5 कंट्रीज होती है जो इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनको कुछ स्पेशल पावर देते हैं जिसे हम बोलते हैं वीटो पावर। क्या होता है वीटो पावर? वीटो का मीन्स होता है आई से नो, ठीक है। अगर इन्होंने किसी चीज़ को नो बोल दिया तो नो, ठीक है। अगला हमारे पास आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये क्या होती है? कंसर्न होती है विद द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड द वुमेन राइट, ठीक है, वुमेन्स राइट से, और जो वेलफेयर होती है चिल्ड्रन के उसके उसके लिए ये बनी है। तो इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो 58 मेंबर्स हैं, और जो 18 मेंबर होते हैं उनको एलेक्ट किया जाता है एवरी ईयर बाय द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ द 3 ईयर्स। 18 मेंबर जो है वो जनरल असेंबली में सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, और कितने सालों के लिए होती है? 3 ईयर्स। इससे पहले हमने पढ़ा सिक्योरिटी काउंसिल में वो 2 साल के लिए होती है, ट्रस्ट इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 3 साल के लिए होते हैं, ठीक है। और जो भी स्पेशलाइज एजेंसी होती है जैसे कि यूएनओ की जो एजेंसी है जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो जो भी है वो इनके सुपरविजन में काम करती है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होता है? देखिए जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसका जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड किया गया है 1 नवंबर 1944 में। अब इसका फ्यूचर क्या है, ये होगी अब या ना होगी, इसका भी अनसर्टेन है, ठीक है। जो ऑल्दो अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट ऑन द पेपर ओनली, ये सिर्फ अभी तक पेपर पे है। इसका जो फ्यूचर रोल है और उसका एग्जिस्टेंस है उसके बारे में अभी कोई अनसर्टेन है। फिर हमारे पास आता है अगला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके अंदर 15 जज होते हैं, और हर कोई जज जो होता है डिफरेंट कंट्री से होगा, नो 2 जजेस कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्री। सिक्योरिटी काउंसिल और जो जनरल असेंबली वो एलेक्ट करती है 3 जजों को फॉर ए पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। 3 जज कितने पीरियड के लिए? 9 ईयर्स के लिए। कौन एलेक्ट करता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों करते हैं एलेक्ट 3 जजों को, ठीक है। अब हमारे पास है सेक्रेटरीट। देखिए सेक्रेटरीट का क्या काम होता है? जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, डे टू डे वर्क होता है किसका? यूनाइटेड नेशन का, उसे कंट्रोल करती है सेक्रेटरीट, और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है सेक्रेटरीट का, और जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? जनरल असेंबली करती है अपॉइंट, और किसकी रिकमेंडेशन पे करती है? सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जो है वो इसे इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन पे इलेक्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर आपको याद रखनी है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूनाइटेड नेशन के? ट्रिग्वेल आई थे, ठीक
1946 से लेकर 52 तक रहे हैं। ये पॉइंट एक और याद रखना है। उसके बाद जो थे बन की मोहन थे, वो वाज अपॉइंटेड अ सेकेंड टर्म ऑन द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बाय द जनरल असेंबली ऑन 21 जून 2011। कौन बने थे? बन की मोहन। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूनाइटेड नेशन की, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 6 लैंग्वेजेस आती है इसके अंदर। एक तो अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, और रशियन है, और स्पेनिश है। तो ये 6 लैंग्वेजेस जो आती है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहा जाता है इनको यूनाइटेड नेशन की। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। देखिए, जो डोम रेसोलिन हैगन्स थे, डोम रोसालिन हैगन्स थी, एक वुमेन है। ये फर्स्ट इलेक्ट हुई थी जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। सो मैं ये कह सकती है, वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये भी पॉइंट है, कुछ आ जाता है कभी कभी कि कौन इलेक्ट हुआ है, वुमेन कौन थी, फर्स्ट वुमेन कौन थी। तो उसके अलावा जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी जनरल असेंबली की, इंडिया से थी एक, वो भी याद रख लेना आप। नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ, विजय लक्ष्मी पंडिता वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली। ठीक है। और जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फॉर बॉडी थी, इसको नोबल प्राइज़ भी मिला है। कब मिला है? 1988 में इसको नोबल प्राइज़ मिला है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ को, जितना एनसीईआरटी में है उसे हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।